नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड के डुंगरी के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ जाते 24 जितने गौवंशों की हुई मौत। वासदा के विधायक अनंत पटेल पर हुए हमले को लेकर आक्रामक रूप में देखी गई कांग्रेस, कार्यकर्ताओं ने रैली आयोजित कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल के बाद जोरावासन रेलवे स्टेशन पर 7 की बजाय सिर्फ 3 लोकल ट्रेन के स्टॉपेज मिलते, लोगों ने देखा गया गुस्सा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड तहसील के डुंगरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आ जाते 24 गौवंशों की हुई मौत। गौरक्षकों में फैली नाराजगी, असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन आने के वक्त ही इन गौवंशों को ट्रैक पर दौड़ाया गया होने की लगाई आशंका। वलसाड तहसील के डुंगरी रेलवे स्टेशन के पास अप और डाउन दोनों ट्रैक पर रविवार को देर रात को डुंगरी क्षेत्र में आवारा घूमते पशुधन अचानक रेलवे ट्रैक के पास आ जाते अप और डाउन दोनों ट्रैक पर तेज गति से दौड़ रही ट्रेन की चपेट में आ जाते 24 जितने गौवंशों की घटना स्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। डुंगरी और वलसाड रेलवे स्टेशन के बीच गौवंश कट जाने की घटना के बारे में जानकारी ट्रैक के पास से पसार होते स्थानिक लोगों को होते तुरंत ही अग्निवीर गौरक्षक की टीम को घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। अग्निवीर गौरक्षक की टीम ने स्थल निरीक्षण करते रेलवे ट्रैक के आसपास में लकड़ियों के टुकड़े मिले थे, जिससे इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा डुंगरी क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं को ट्रेन आने के वक्त ही रेलवे ट्रैक के पास लाकर छोड़ दिया होने की आशंका जताई थी। घटना को लेकर अग्निवीर गौरक्षकों की टीम ने घटना के बारे में आरपीएफ और जीआरपी की टीम को जानकारी दी गई थी, साथ ही घटना को लेकर गौरक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिली थी। अत्यारे ट्रेन अफेट में लगभग नहीं तो 21 जेटली गायों ट्रेन अफेट में मौत थी है, जेमा 4-5 तो जे गर्भवती थी बच्चू भी बहार आ गया है, जेनी जाण मने अमारा जे एक रिलेटिव है मिटेश भाई कन्ने गौरक्षक एमने फोन करियो अने हूँ स्थल पर आईने जोयुं तो ए लोको अहीं हता अने जे गायो वच में पड़ेली थी अने साइडे करेली थी अने अत्यारे पेलो आरपीएफ जे पोलिस खरा ए पण हता एम के पण अत्यारे निकली गया एम बन्ने अपडाउन पण बन्ने पण ज छे અને ડુંગરી સ્ટેશનથી નહેરની આગળ સંકતરાના મુખ્ય રસ્તા રેલવે અંડરપાસિંગ ખરું ને ત્યાંથી 500 મીટરની અંદરમાં 21 ગાયોના મોત છે ટ્રેન અફેટ। હાલ અત્યારે ગૌરક્ષક બધા ભાઈઓ આવી ગયા છે અને જે ટ્રેકની વચમાં જે પડેલું છે એને સાઈડ હટાવીને કામગીરી ચાલી રહેલી છે। ના, આમ તો પશુધનના તો કોઈ છે નથી, પશુપાલકો કોઈ છે નથી, પણ આજે રસ્તા ઉપર જે રખડતી ગાયો છે એ બધીને કંઈક એવું જાણવા મળ્યું છે કે કોઈ કલ્ય આજુબાજુના ગામના વિસ્તારમાંથી ગામજનો આવીને કંઈ હંકારી ગયા છે। वास्ता के विधायक पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस आई आक्रामक मूड में। वलसाड कांग्रेस कार्यालय से रैली आयोजित कर वलसाड जिला समाहर्ता को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया ज्ञापन। वास्ता के विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल पर हुए हमले में अब कांग्रेस ने आक्रामक मूड अपनाया है। वलसाड जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला समाहर्ता कचेरी तक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। रैली को परमिशन न हो उसके बावजूद भी रैली निकाली गई हो, पुलिस द्वारा रैली को रोकने का प्रयास किया गया था, जहां पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच पकड़दाव के दृश्य घटित हुए थे, पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली आयोजित कर जिला समाहर्ता कचेरी पर पहुंचकर समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर तुरंत हमलाखोरों को पकड़ने के लिए सख्त से सख्त सजा की जाए ऐसी मांग भी की गई थी। આજે અમારા દક્ષિણ ગુજરાતના નેતા અને વાસદા ધરમપુરના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી આનંદભાઈ પટેલ, જે હિચકારો હુમલો થયો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ દ્વારા જ્યારે હુમલો થતો હોય
तो आप समझी सको छो कि गामडे गामडेना लोको एक समझी गया छे कि बीजेपी आवनारी चूंटणी में कांग्रेस ना कार्यकर्ता ने एक एवो मेसेज आपवा मांगे छे કે અમે કોઈક જગ્યાએ ક્યાંક છે દબંગી કરતા છે અને એમને મારીને દબાવીને ધમકાવીને દબાવી દઈશું એવી જે વાત કરવાને એવો એક મેસેજ આપવા માગે છે એ મેસેજના અમે અમારો વિરોધ છે કે ભાઈ આનંદભાઈ એક આદિવાસીના આગેવાન છે આદિવાસીના આગેવાન છે પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે અને ચોક્કસપણે અમારે કોંગ્રેસે આખા ગુજરાતમાં નક્કી કર્યું કે કોંગ્રેસનો આગેવાન મોરલાઇઝ ન થાય અને આખા ગુજરાતમાં તાકાતને જોમ સાથે લાગે એ માટે આનંદભાઈના સપોર્ટ મારીને એક આવેદનપત્ર આપીને લોકોને એક મેસેજ આપવા માંગે છે કે આવનાર ચૂંટણીમાં સજ્જ બનો કડક બનો એ વાત કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. તમે આપ સમજી શકો છો કે આ રાજ્યમાં અત્યારે જે ગુનેગાર છે જેમણે હુમલો કર્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ એમણે હુમલો કરવો છે એમને નથી પકડતા અને નોર્મલ વાત છે કે આવેદનપત્ર આપીને એક મેસેજ આપવા માગે છે કે શાંતિ અને સલામતી જળવાય આ માટેનો એક અમે મેસેજ આપવા માગીએ છીએ. એ મેસેજને એ લોકો બગાડીને સામાન્ય ધમાલ કરીને લોકોને દબાવવા માગે છે ગુમરાહ કરવા માગે છે એ વાતની પ્રતિતિ આપતી પોલીસો પરથી પણ થઈ રહી છે. પોલીસ એ સરકારના પ્યાદા છે આપ સમજી શકો છો. સરકાર જે સૂચના કરે એમણે કરવું પડે અને એ નાતે એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે એમની ફરજ એ લોકો બજાવી રહ્યા છે. कोरोना के बाद अब जोरावासन रेलवे स्टेशन पर 7 ट्रेनों के स्थान पर सिर्फ 3 लोकल ट्रेन ही स्टॉपेज करती हो गांव के लोगों में फैला आक्रोश. वलसाड़ तहसील के जोरावासन गांव में रेलवे स्टेशन आया है. जोरावासन ओलगांव खापरवाड़ा पूर्वासन रोला और अन्य आसपास के 12 से ज्यादा गांव आए हुए हैं. साथ ही काम करने वाले कामदार पास में आए हुए बिलीमुरा जेडीसी नवसारी सचिन बेस्तान उदना सूरत जेडीसी में नौकरी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं तो स्कूल कॉलेज के छात्रगण भी पढ़ाई करने के लिए वलसाड़ नवसारी बिलीमुरा सूरत या अन्य क्षेत्र में ट्रेन के जरिए स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं. 2 साल पहले समग्र विश्व के साथ भारत देश में कोरोना जैसी महामारी के दौरान सूरत से मुंबई एवं मुंबई से सूरत की ओर जाती सभी लोकल ट्रेनों के स्टॉपेज थे जिसकी वजह से जोरावासन खापरवाड़ा सहित आसपास के गांव के कामदारों स्कूल कॉलेज के छात्रगणों एवं यात्रियों को बड़ी राहत मिली थी. जोरावासन रेलवे स्टेशन पर सूरत की ओर जाती मुंबई की ओर आती ट्रेनों में विरमगाम लोकल विरार भरूच मेमू ट्रेन संजाण सूरत मेमू ट्रेन बोरीवली सूरत मेमू वलसाड़ सूरत मेमू मुंबई अहमदाबाद लोकल विरार सूरत सटल जैसी ट्रेनें स्टेशन पर खड़ी रहते कामदार वर्ग यात्री या फिर स्कूल कॉलेज की छात्राओं को आने जाने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता था. पर कोरोना महामारी के बाद चोरावासन रेलवे स्टेशन पर बलसाड़ बड़ौदा संजाण सूरत मेमू मुंबई अहमदाबाद लोकल ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है. ऐसे जोरावासन रेलवे स्टेशन पर पहले 7 ट्रेनों को स्टॉपेज था. कोरोना काल के बाद अब सिर्फ 3 ट्रेनों को ही स्टॉपेज मिलते कामदार वर्ग स्कूल कॉलेज के छात्रगण एवं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जोरावासन गांव में स्टेशन पर अगाव की तरह ही लोकल ट्रेनों को स्टॉपेज मिले उसके लिए 12 से ज्यादा गांव के सरपंच एवं ग्रामजनों ने इकट्ठा होकर पहले की तरह ही लोकल ट्रेनों के स्टॉपेज देने के लिए गांव के लोगों द्वारा जोरावासन रेलवे स्टेशन के सुप्रिंटेंडेंट वलसाड़ के सांसद डॉक्टर केसी पटेल गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख और नवसारी सांसद सीआर पाटिल सूरत सांसद दर्शनाबेन जरदोस वलसाड़ के विधायक भरतभाई पटेल वलसाड़ जिला समाहर्ता और रेलवे विभाग को लिखित में रजूआत करने के लिए जोरावासन रेलवे स्टेशन पर मीटिंग का आयोजन किया गया था. क्षेत्र के गांव के लोगों की मांग यही है अगर उनकी मांगों को नहीं स्वीकारा गया तो आने वाले दिनों में गांधी मार्ग पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है. કોવિડ-19 ગાઈડલાઈનને કારણે 3 ટ્રેનો ઊભી રહી છે અને એ ચાલુ કરવા માટે અમે આજે મિટિંગ બોલાવી હતી અને મિટિંગમાં આજુબાજુના ગામના 10-12 ગામના સરપંચો આમંત્રણ આપ્યું હતું પણ સાથે સાથે ગામ લોકો પણ ઘણા હાજર રહ્યા અને અમારા જોરાવાસન સ્ટેશનમાં કમસે કમ 10-15 ગામોને અસર કરે છે અને લોકોને અપડાઉન માટે તકલીફો પડે છે. સુરત જવા માટે અથવા તો વાપી જવા માટે નોકરેટ વર્ગોને પોતાના ખાનગી વાહનોમાં જવું પડે છે એ ઘણી મોટી સમસ્યા છે. અમારી જૂની જે માગણી હતી અમારા જોરાવાસન સ્ટેશન પર 7 સ્ટેશન લોકલ ટ્રેન ઊભી રહેતી હતી એની જગ્યાએ 3 જ ઊભી હતી બીજી 4 પણ અમારા સ્ટેશન પર ચાલુ કરવામાં આવે એવી માગણી છે અમારી. આમ અત્યારની અમારી જે મિટિંગ હતી એ તો અમે કાયદામાં રહીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ રજૂઆત કરીશું પછી માગણી ન સંતોષાય તો પછી પાછી મિટિંગ કરીને અમે ચર્ચા કરીશું. આ ટ્રેનની સમસ્યા એવી છે કોરોના મહામારીમાં
ટ્રેન સ્ટોપેજ હતા લોકલ ટ્રેન એ બંધ થવામાં આવી છે ને અમારા વિસ્તાર કમસે કમ 9-10 ગામો 10-12 ગામોના વિસ્તાર લોકો અહીંયા સ્ટોપેજ છે એમાં બધા મુસાફરી કરે છે સુરત કંડા વાપી તરફ તકલીફ ઘણી છે કેમ કે હવે સમજો કે 10,000 પગારવાળા વ્યક્તિ હોય ને 3,000 ભાડું આપવું પડે એ અમારે વધારે મગજમારી છે પહેલાં કમસે કમ આપણે કેટલી 7 ટ્રેન અવર જવર 14 ટ્રેન છે માંગે સ્ટોપેજ અમારે આપી દે તો 9-10 ગામને માટે શાંતિ થઈ જાય છેલ્લા કોરોનાથી અહીંયા લોકલ ટ્રેન તમામ લોકલ ટ્રેન ઊભી રહેતી હતી બરાબર આ કોરોના પત્યા પછી અમે રજૂઆત પણ કરવામાં આવી રાજકારણીને બધાને રજૂઆત કરવામાં આવી આજુબાજુના તમામ સરપંચો સાથે અહીંયા એટલી તકલીફ છે સુરત જતા તમામ આજુબાજુના 10-15 ગામના લોકો અહીંયાથી રોજગારી માટે સુરત જાય છે આઈટીઆઈ માટે આજુબાજુના તમામ વિદ્યાર્થીઓ બિલીમોરા મતલબ વલસાડ આઈટીઆઈ જાય છે કોલેજ જાય છે સ્કૂલ માટે બધા જ જાય છે પણ અમારી રજૂઆત આજ સુધી સાંભળવામાં આવી નથી અગર જો આ સ્ટોપેજ નહીં આપવામાં આવે તો ગાંધી ચિંડિયા માગે અમે હાલમાં તો અમે આવેદન આપીએ છીએ પણ ઉગ્ર આંદોલન કરીશું એની ખાતરી આપીએ છીએ બરાબર એટલે જે પણ રાજકારણીઓ હોય એ રાજકારણીને પણ વિનંતી કે આ સ્ટોપેજ આપવા માટે અમને મદદ કરે અને અધિકારીઓને પણ વિનંતી કે આ સ્ટોપેજ અપાવવા માટે અમને મદદ કરે નહીં તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું ટૂંક જ સમયની અંદર 10-15 દિવસની અંદર આ ટ્રેન ચાલુ થઈ જવી જોઈએ નહીં તો અમે 15-16 દિવસે આંદોલન કરીશું અહીંયા એની હું ગેરંટી આપું છું ગુજરાત રાજ્ય પાલિકા કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા રાજ્ય સરકાર સમક્ષ સાલો સે વિવિધ પ્રશ્નો કો રખા ગયા હો પર ઉનકા કોઈ હલ નહીં આતે જતાયા ગયા થા વિરોધ જિસકી અસર દિખાઈ દી વલસાડ મે વલસાડ શહેર કે રાસ્તો પર છાયા થા અંધેરા વલસાડ શહેર કે રાસ્તો પર છાયા થા અંધેરા નગર પાલિકાઓ મે ફરજ બજાતે અધિકારીઓ કાયમી ઓર હંગામી નિયુક્ત હોઈ હજારો કર્મચારીઓ કી ભરતી બઢતી ગ્રાન્ટ સહિત કી માંગ ઓર પુરાની માંગો કો લેકર ગુજરાત રાજ્ય પાલિકા કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા રાજ્ય સરકાર સમક્ષ સાલો સે બાત કી થી જિસમે સરકાર દ્વારા ઉનકે પ્રશ્નો કા હલ લાને કે લિયે આશ્વાસન દિયા થા ઉસકે બાવજૂદ કોઈ કાર્યવાહી નહીં હોતી મહામંડળ દ્વારા આંદોલન શરૂ કિયા ગયા થા જિસમે પહેલે ચરણ મે 9 અક્ટૂબર રવિવાર કો રાજ્ય કી સભી નગર પાલિકાઓ કે શહેરી ક્ષેત્રો મે સ્ટ્રીટ લાઇટે બંધ રખ કર અંધારપટ કા કાર્યક્રમ ઘોષિત કિયા ગયા था। इस आंदोलन को राज्य के चीफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी सहयोग देते संयुक्त आंदोलन के साथ सभी पालिका कर्मचारी अधिकारियों कायमी और हंगामी कर्मचारियों को जुड़ने के लिए अपील की गई थी जिसकी असर वलसाड़ में देखी गई थी वलसाड़ शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद रहते शहरी क्षेत्र में अंधेरा छा गया था राज्य नगर पालिका कर्मचारी महामंडल के कारोबारी सभ्य रमन भाई राठौड़ ने बताया था कि जिले की पालिका के क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें बंद रखकर विरोध जताया गया है वलसाड़ में रविवार बाजार के रेकड़ी संचालकों और व्यापारी संचालक अपने अपने प्रश्नों को लेकर पहुंचे थे सिटी पुलिस थाने में દિવાળી પર્વ અબ પાસ મે આ રહા હો શહેર કે બાજારો મે રોનક છા જાતી હે દુકાનો મે ગ્રાહકો કી ભીડ લગતી હો શહેર મે દિવાળી કે દિનો મે વ્યાપારી ગણ દુકાનો કો ખુલ્લી રખતે હે વિશેષ તોર પર વલસાડ શહેર મે રવિવાર કે રોજ સ્ટેડિયમ માર્ગ પર રવિવારી બાજાર કે દરાન કઈ દુકાનદારો દ્વારા દુકાને ખુલ્લી રખને કો લેકર રેકડી સંચાલકો ઓર વ્યાપારી સંચાલકો કે બીચ મનભેદ હોતે जिसको लेकर व्यापारी एवं रेकड़ी संचालक सिटी पुलिस थाने पर पहुंचे थे जहां रेकड़ी संचालकों ने अपनी रजूआते रखी थी जबकि व्यापारियों ने भी दिवाली पर्व पास में हो ग्राहकों की डिमांड को लेकर दुकानें खुली रखने का फैसला लिया था जो कि इस बीच कोई अघटित घटना न हो बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों संचालक सिटी पुलिस थाने में पहुंचकर न्याय की मांग की थी વલસાડ શહેર કે એસટી વર્કશોપ મે નવરાત્રિ મહોત્સવ મે પુરાની રંજીશ મે યુવક પર ચાકુ સે હમલા કરને વાલે આરોપી કો પુલિસ ને દર્દ બુજા
वलसाड़ के एसटी वर्कशॉप के पास नवरात्रि महोत्सव में गौरव नामक युवक ने एक साल पुरानी रंजिश में नीलेश नामक शख्स के ऊपर चाकू से हमला किया था। वलसाड़ एसटी वर्कशॉप के पास 20 साल पहले से आयोजित होते नवरात्रि महोत्सव में इस साल नवरात्रि के 9वें दिन रात को अब्रामा झरना पार्क में रहने वाले 28 साल के नीलेश नवीन भाई पटेल के ऊपर चालू गरबा के राउंड के दौरान पास में ही रहते गौरव ने चाकू से घातक हमला किया था। घायल हुए नीलेश को उपचार के लिए वलसाड़ की कस्तूरबा अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। घटना के बारे में जानकारी पाकर सिटी पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू की थी, जिसमें घायल नीलेश की पूछताछ करते गौरव के साथ एक साल पहले पुलिस हेडक्वार्टर के पास रहते नीलेश के चाचा के लड़के की शादी में हुई लड़ाई में इस रंजीश को लेकर हमला किया गया होने का प्राथमिक अनुमान नीलेश ने लगाया था। नीलेश ने वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने चक्र गतिमान किए थे। उस दौरान वलसाड़ सिटी पुलिस की टीम को मिली जानकारी के आधार पर वलसाड़ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे गोदाम क्षेत्र में नीलेश के ऊपर हमला करने वाला गौरव घूम रहा होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर वलसाड़ सिटी पुलिस की टीम ने आरोपी गौरव को पकड़कर प्राथमिक पूछताछ करते आरोपी ने गुनाह की कबूलात करते गौरव को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। महाराष्ट्र की राजनीति की असर वापी में, शिवसेना का शिंदे को समर्थन, शिव सैनिकों ने शिंदे ग्रुप में जुड़ने की घोषणा। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो जुटों के बीच विवाद चल रहा है, जिसकी असर वापी तक देखने को मिल रही है। वापी की एक होटल में आए हुए वापी शिवसेना ग्रुप के कई शिव सैनिकों रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ग्रुप में जुड़े थे। वापी नगर शिवसेना के कई शिव सैनिकों गुजरात प्रदेश प्रमुख सतीश भाई पाटिल का सम्मान किया गया था। सतीश भाई की उपस्थिति में वलसाड़ जिला में शिव सैनिकों के नए होद्देदारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें वलसाड़ जिला के प्रमुख के तौर पर मंजीत सिंह त्रिगोत्रा, वलसाड़ जिला उप प्रमुख वीरेंद्र मिश्रा, वापी शहर प्रमुख विशाल ठक्कर, वापी शहर उप प्रमुख रवि पटेल, वापी तहसील प्रमुख विशाल सिंह, वापी विभाग प्रमुख सतीश भानुशाली, वापी तहसील उप प्रमुख गणेश राठौर, वलसाड़ जिला प्रवक्ता हंसराज परमार, कौशल्या बेन कनोजिया और एनडी सोनावणे, वापी कार्यालय प्रमुख रत्नेश मौर्य और कमलेश गोर को पत्रक देकर नियुक्त की गई थी। साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बताए मुताबिक गुजरात में शिवसेना को मजबूत करने के लिए अलग अलग टीमों की रचना कर सभी शिव सैनिकों को अपने ग्रुप में जुड़े थे। हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी के संगम में नमन करते हुए, महाराणा प्रताप के संगम में नमन करते हुए और ताकत बढ़ानी है जिले जिले में, अपना तालुका में, हर तालुका में, शहर में, गांव गांव जाके काम करना है और अपना शिंदे साहब का और गुजरात में भी हमने नाम बढ़ाना है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र और काफी पूरे इंडिया में नाम रोशन किया है, हमको उनका नाम और रोशन करना है। श्री दिगे जी के भी विचारों को लेकर चलना है और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों के पीछे हमने काम करना है और हम सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करें और समाज सेवा करें। जैसे हमारे पाटिल साहब ने बताया, राज्य प्रमुख जी ने, कि हमारा जो मेन है समाज सेवा 80% है, राजनीति 20% है, तो हमको उसी को लेके आगे बढ़ना है और बाकी जैसा हमारा हमें आदेश मिलेगा, ऊपर वाले देश देंगे, वैसा हम काम करते रहेंगे या प्रण करते। आज का प्रोग्राम संगठन को मजबूत करने के लिए है। बाला साहब के विचार जो है शिवसेना घर घर तक पहुंचा रही है, तालुका जिले तक, वही जो हम यहाँ पर मंजीत वलसाड़ जिले में मंजीत भाई को दिए थे, मंजीत भाई सर घर घर वलसाड़ जिले के तालुका शहर सब जगह पहुँचाएंगे। बाला साहब के विचार, दिले साहब के विचार और शिंदे साहब के विचार, खास करके हिंदुत्व के विचार शिवसेना का एजेंडा है, मतलब 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, ये शिवसेना का एजेंडा है और वो कार्य हम लोग करेंगे गुजरात में और यही एजेंडा मेरा सब जगह रहेगा। महाराष्ट्र में शिंदे साहब की सरकार बनी है, इसके बाद साहब गुजरात में शिवसेना कितना मजबूत करेंगे? देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूत है क्योंकि वहाँ उनका शिवसेना का जन्म है। हम अभी गुजरात में बाहर, मतलब महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना को बहुत ज़्यादा उद्धव जी ने
पॉपुलर नेताओं ने बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिंदे साहब का आइडियोलॉजी ऐसा है कि संगठन को हर अपना स्टेट में मजबूत करना है। और उनके विचार हैं कि बाला साहब के विचार जो है जैसे महाराष्ट्र में लोगों को पहुँचे, वहाँ दूसरे राज्यों के लोगों तक भी पहुँचाने के लिए वो हम लोगों को सबको उन्होंने प्रेरणा दी है। दिग्गज साहब के विचार क्या है, महाराष्ट्र के बाला साहब के विचार क्या है, शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है, हमें क्या करना है, वो लेकर के हम लोग सब राज्यों में करेंगे और मजबूत करेंगे। देखिए सिंबल अभी इस वक्त स्थगित है, बात सही है, आगे किसको मिलेगा वो भी बात आपकी सही है, लेकिन शिवसेना की जो बाला साहब के जो विचार थे, जो मैंने अभी कहा कि 80% समाज सेवा 20% राजनीति, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है कि हमें सांसद बनाना है, हमें जो लोगों की जनता की आवाज़ है वो हमारे पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुँचाने भर का काम है, वो हमारा कोई आदमी प्रतिनिधि होना चाहिए, इसीलिए चुनाव भी लड़ते हैं। और इसके लिए जैसी परिस्थितियाँ रहेगी उस हिसाब से सिंबल के बारे में भी होगा, सिंबल कहीं जाने वाला है क्या, गया है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है, वो मिलेगा। गुजरात का जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है मतलब नज़दीकी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी जो राजकीय परिस्थितियाँ हो रही है उसके हिसाब से आप चाहते हो कि गुजरात में शिवसेना चुनाव लड़ेगी, नहीं शिवसेना चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो सब निर्णय हमारे मुख्य नेता माननीय शिंदे साहब और पूरी टीम लेगी, और हमें उनका जो आदेश रहेगा तो भी अलायंस के साथ काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस रहेगा, और जो अभी एनडीए में बैठे हैं इसके हिसाब से उनके निर्णय के साथ गुजरात में भी काम होगा। वापी तहसील में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगह जगह आयोजित गरबा महोत्सव में गरबा खिलैयाओं ने मचाई थी धूम। वापी टाउन स्थित हनुमान मंदिर सहित पूरे तहसील में विविध क्षेत्रों में सेरी मोहल्लों में विशेष शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था। गरबा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे थे। शरद पूर्णिमा को गरबा खिलैयाओं में गरबा की रमझट गरबा खिलैयाओं ने लगाई थी। पिछले 2 सालों के बाद कोरोना की परिस्थिति थोड़ी संभलते सरकार ने नवरात्रि पर्व पर परमिशन दी हो, गरबा खिलैयाओं में खुशी की लहर छा गई है। तो हनुमान मंदिर पर SS कुमार S म्यूजिकल पार्टी के साथ गरबा का आयोजन किया गया हो। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रात को खिलैयाओं ने गरबा की रमझट बुलाई थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के डुंगरी के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ जाते 24 जितने गौवंशों की हुई मौत। वासदा के विधायक अनंत पटेल पर हुए हमले को लेकर आक्रामक रूप में देखी गई कांग्रेस, कार्यकरों ने रैली आयोजित कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल के बाद जोरावासन रेलवे स्टेशन पर 7 की बजाय सिर्फ 3 लोकल ट्रेन के स्टॉपेज मिलते, लोगों ने देखा गया गुस्सा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार, नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।